लगभग 850 किलोमीटर चलाने के बाद में इन टोटल मैं अपने बाइक को ले आया हूँ पहली सर्विस करवाने के लिए TVS के शोरूम के अंदर में, जहाँ पर मेरे को एक रफ एस्टिमेट दे दिया गया था कि इतने पैसे लगेंगे। रफ एस्टिमेट लेने के बाद में मेरे बाइक को नीचे ले जाया गया, इंजन बे पे लिफ्ट करा गया, सॉरी सर्विस बे पे लिफ्ट करा गया। एंड एक इशू मेरे को इस बाइक के अंदर आ रहा था, वो था चेन का। भाई चेन बहुत ज़्यादा लटक गई थी, वो मैंने इनको पहले ही बता दिया कि भाई चेन को टाइट करना पड़ेगा। जो लोग भी बिगिनर है मैं आपको बता दूँ कि भाई चेन का ध्यान रखना, चेन एक बहुत एसेंशियल पार्ट होता है बाइक का, क्योंकि इंजन से जो पावर जनरेट होगी वो आपके टायर तक ले जाने वाला है चीज़ चेन है। तो चेन को आप लोग प्रॉपरली ध्यान रखना, क्लीन रखना और ल्यूब्रिकेट रखना। इस वाली सर्विस के अंदर में दो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, एक तो होगा ऑयल फिल्टर चेंज, दूसरा होगा ऑयल। एयर फिल्टर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 850 किलोमीटर में कोई भी एयर फिल्टर गंदा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप कोई रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ऑयल की कंडीशन देख लो। ये ड्रेन बोल्ट खुल रहा है हमारा, यहाँ पर कुछ ऐसे सी है ऑयल की कंडीशन फर्स्ट सर्विस में लगभग 850 किलोमीटर चलने के बाद में। तो यहाँ पर जब तक हमारा इंजन ऑयल बाहर निकल रहा था, इन द मीन टाइम हमारा जो ऑयल फिल्टर है उसे भी ओपन कर लिया गया ताकि अच्छे से ड्रेन हो जाए। एंड आप लोग अपने मैकेनिक को बोल देना जो भी सर्विस कर रहा होगा कि भाई इसको ना दोनों चीज़ें ओपन करके रख दे ताकि ड्रेन जो पुराना ऑयल है गंदा वो अच्छे से निकल जाए। और ये जो आप देख रहे हो मेरा जो ड्रेन बोल्ट है इसके ऊपर ना गैस्केट लगी होती है, ये देखो मेरे हाथ में ये गैस्केट है, ये हर बार चेंज होगी, इसे करवाना। कॉस्ट बताऊँ तो सिर्फ 6 रुपये की है। और ये है हमारा ऑयल 15W50, इसका ग्रेड है, 1.7 लीटर की इसकी क्वांटिटी है। ऑयल डलने के बाद में हमारी चेन की क्लीनिंग हो रही है, ये क्लीनर है, ब्रश से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर रहे हैं, फिर एयर प्रेशर से जो एक्सेसिव लिक्विड है उसे निकाल रहे हैं। एक्सेसिव लिक्विड निकलने के बाद में हो रही है अब इसकी ल्यूब्रिकेशन, ये देख लो अच्छे से। ये TVS रिकमेंडेड है स्प्रे है जो ल्यूब्रिकेट करता है। उसके बाद में जो मेरा इशू जो मैंने इनको बताया था उसके ऊपर अच्छे से जांच पड़ताल चल रही है, इन्होंने पहले स्केल लगा के चेक करा कि हाँ भाई कितना लूज़ है, उससे हिसाब से ही ये लोग उसे टाइट करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने पिछले राइट और लेफ्ट के बोल्ट खोल के उसे पीछे खींच लिया, अच्छे से अगेन स्केल लगाया, उसकी प्रॉपर मेजरमेंट ली। मेजरमेंट लेने के बाद में उसे टाइट करके हमारी चेन का जो काम है वो प्रॉपरली अब हो चुका था। इन द मीन टाइम मेरे को यहाँ पर एक BMW का लोगो दिखा वायरिंग के ऊपर में, जिसे देखे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि सेम इंजन है, जितनी भी बाइक्स हैं यहाँ पर 300cc वाले जो हैं BMW के और TVS के, वो सेम इंजन पे चल रहे हैं, सबको पता ही है। ये जो आप टूल देख रहे हो ये टूल काम आएगा हमारी सबसे मेन चीज़ करने के लिए, वो है राइडिंग मोड्स अनलॉक करने के, क्योंकि इस बाइक के अंदर में राइडिंग मोड्स लॉक्ड आते हैं। टोटल 5 मोड हैं, तो 2 ही ओपन होते हैं, रेन और अर्बन, ये दोनों ऑन रहते हैं। जो स्पोर्ट्स है, सुपर मोटो और ट्रैक, ये तीनों लॉक्ड रहते हैं। तो इस बार यहाँ पर अनलॉक होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने टूल लगा के सबसे पहले डायग्नोस्टिक रन करा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को लगा था लैपटॉप लेके आएंगे अनलॉक करने के लिए, बट इन्होंने फ़ोन से ही कर दिया। हालांकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, अच्छी बात है, फ़ोन से काम हो रहा है, बट लैपटॉप लेके आते तो थोड़ा सा फैंसी लगता। एनीवेज हमें तो मोड्स अनलॉक करने से मतलब है। तो यहाँ पर इन्होंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पर सक्सेस लिखा आ गया ग्रीन कलर के अंदर में। तो हमारा मोड हो गए हैं यहाँ पर अनलॉक। दो चीज़ें और इनपुट कर रहे हैं, एक तो डेट इनपुट कर रहे हैं कि नेक्स्ट सर्विस की जो डेट है वो कितनी होनी चाहिए, कितने इंटरवल पे होनी चाहिए वो। एंड उसके बाद में ये लोग किलोमीटर्स डाल रहे हैं कि इतने हज़ार किलोमीटर के बाद में चेंज हो है जो आपके मीटर पे, सॉरी, वो आ जाए कि भाई आप सर्विस सेंटर चले जाओ, वहाँ पर वार्निंग आ जाती है। 5000 किलोमीटर पर इसकी सर्विस होती है। इनपुट डालने के बाद में सारी वैल्यूज़ ऑन करा गया। ऑन करने के बाद में यहाँ पर हमारे मोड्स की टेस्टिंग करी गई, हर मोड में ले जाके एक्टिव करा गया कि हाँ क्या वो मोड एक्टिव हो रहा है या नहीं। जैसे ट्रैक मोड पे रेड हो गया, एंड फाइनली हमारा लास्ट सुपर मोटो मोड है उस पर भी एक बार ले जाके दबाया गया, अनचेक करा गया। एक चीज़ इन्होंने नोटिस करी, कूलेंट का लेवल हल्का सा कम था, लगभग 30-40 ml था, तो इन्होंने वो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपअप कर दिया। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी सर्विस सेंटर की, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वीडियो के एंड में मैं अभी सारा का सारा आपको डाल दूँगा क्या मेरा खर्चा आया क्या नहीं। एनीवेज अगर आप लोग भी लुधियाना नियर बाय हो तो शोरूम विजिट कर सकते हो, मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ में। बाकी आपका कैसा रहेगा तो वो भी मेरे को नीचे कमेंट करके बाद में बता देना। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और आपको लगता है कि यार किसी और चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए स्पेसिफिकली इस बाइक के बारे में, तो नीचे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली वो वीडियो भी लेके आऊँगा और कमेंट में भी ट्राई करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। तब तक के लिए दिस इज करण, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।